जहाँ 99% बैटरी चार्ज है वहाँ पर जो है बीजेपी जीत रही है, जहाँ 74-70% है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। इसका मतलब जो है ये सारा मैनिपुलेशन है। अब ये एग्जिट पोल आए थे, क्या सारे फेल हो गए क्या? हरियाणा में जो हार हुई है उसका मुख्य कारण ईवीएम है। एक ये रणनीति बना रहे हैं बीजेपी वाले, एक स्टेट में जिता दिया, दूसरे स्टेट में हरा दिया। अभी आप देख लेना यही हाल झारखंड और महाराष्ट्र में करेंगे। ये तो इनका गेम है, गेम प्लान है। सबसे पहला कारण तो ईवीएम मशीन है, ये बावल के अंदर है, इसमें 6 जगह फिगर्स बिल्कुल सेम है। जो अपना इसमें देख लीजिए आप, 143, 143, 381, 381, और कांग्रेस का कितना दिखा रहे हैं, 0111। उसके बाद कांग्रेस की, उसके बाद आप आगे चलेंगे इसमें तो आप देखेंगे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में। तो ये इंडिपेंडेंट को इतनी वोटें, सेम वोटें कैसे आ गई? क्या ये मैनेज नहीं है? टोटली मैनेज है ये। और जहाँ 99% बैटरी चार्ज है, जहाँ 99% बैटरी चार्ज है वहाँ पर जो है बीजेपी जीत रही है, जहाँ 74-70% है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। इसका मतलब जो है ये सारा मैनिपुलेशन है। आप बताइए कि सारे जो आपके एग्जिट पोल आए थे क्या सारे फेल हो गए क्या? हरियाणा में जो हार हुई है उसका मुख्य कारण ईवीएम है, उसके साथ साथ और भी बहुत मुद्दे हैं। अब जैसे कि पार्टी का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था AICC और PCC के बीच में, क्योंकि PCC प्रेजेंट तो खुद चुनाव लड़ रहे थे तो कौन कोऑर्डिनेशन करता? जयदीप धनखड़ जी तो नदारद थे, कभी मिले भी नहीं हमें आके, ना उन्होंने कभी हमें कंटेक्ट किया। मेरी कई जगह से डिमांड थी, PCC ने की तरफ से ये मुझे नहीं कहा कि आपने दादरी जाना है या आपने कहाँ जाना है, मुझे डायरेक्ट कैंडिडेट्स के गए। वहाँ 3 जगह मैं गया, मैं बाडा नहीं जा पाया, मैं भवानीखेड़ा नहीं जा पाया, मैं गुड़गांव नहीं आ पाया, क्योंकि 2 दिन पहले हमें बता रहे हैं। आप मुझे 15-20 दिन पहले बताए तो मैं टाइम लगा के गाड़ी से भी चला जाता, मुझे कोई चॉपर की ज़रूरत नहीं थी। और शैलजा जी ने मुझे प्रोग्राम दे दिया कि मैं आपके आ रही हूँ, मैं उसके बाद ये कहा मुझे चॉपर नहीं मिल रहा, ये चॉपर क्यों नहीं मिला उनको? तो मेरा ये कहना है कि और फिर जो मैनिफेस्टो जो रिलीज हुआ, एज OBC चेयरमैन मुझे बुलाया नहीं। हमारे जो प्रभारी जी हैं, वो जो हैं बीमार हैं, वेंटिलेटर पे हैं। अगर वो उसमें आइसोलेशन में थे तो अपना पदभार जो है किसी और को दे दिया होता। अगर वो PCC प्रेसिडेंट अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो किसी वर्किंग प्रेसिडेंट को बिठाया होता कि कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो। OBC को जो आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं आप। राहुल गांधी जी OBC की बात करते ही हैं, OBC को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। तो ये मुद्दे थे। लेकिन सर बीजेपी कह रही है कि अब जब चुनाव कांग्रेस हार गई है, क्योंकि अगर हिमाचल की बात करें वहाँ पर ईवीएम ठीक थी, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, और जहाँ कांग्रेस सीटें जीत रही है वहाँ पर ईवीएम ठीक है। एक ये रणनीति बना रहे हैं बीजेपी वाले, एक स्टेट में जिता दिया, दूसरे स्टेट में हरा दिया। अभी आप देख लेना यही हाल झारखंड और महाराष्ट्र में करेंगे। ये तो इनका गेम है, गेम प्लान है, कि दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल छोटा स्टेट है वहाँ जीत के ठीक है। हरियाणा क्योंकि जिसका प्रभाव पड़ता है, दिल्ली पे प्रभाव पड़ता है, UP पे प्रभाव पड़ता है, और स्टेटों में पड़ता है, एक मतलब कि ये एक दिल है हमारे देश का, वहाँ उसको हराना जरूरी था, इसलिए जो है वहाँ पर सारा सिस्टम इन्होंने बड़ा लगा दिया अपना पूरा। आज कांग्रेस के ऑब्जर्वरों की मीटिंग हुई है जिसमें एक कमेटी का गठन किया गया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो क्यों जो क्षेत्र कमेटी हमारे से बात करेगी तो हम उनको बताएंगे क्या कारण है। क्या गुप्ता परिवार और कुमारी सैलजा की जिस तरीके से खींचतान चल रही थी, या भी ये भी एक वजह मानते हैं? भाई मैं कहता हूँ कि चुनाव के दौरान किसी को अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था, चुनाव के बाद करना चाहिए था। जब 45 सीट आए, 50 सीट आ जाती फिर करना चाहिए था कि मैं भी कैंडिडेट हूँ। कल को मैं भी कह सकता था मैं भी कैंडिडेट हूँ, लेकिन मैं ये जो TRP बनाने की लोग कोशिश करते हैं, और उसका जो है उन लोगों को फ़ायदा हुआ कि यमुनानगर में सीटें आई, इनकी सीटें जो हैं सरसा में आई, इनकी सीटें जो हैं आपकी रोहतक और झज्जर में आई हैं, बाकी लोग हम सब जगह साफ़ हो गए, करनाल में साफ़ हो गए, आपके पानीपत में साफ़ हैं, आपके जो हैं रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गावा, आपके फरीदाबाद सब जगह साफ़ हैं। ये नहीं जो हमारी जो, और दूसरा जो मामन खान जी ने जो बयान दिया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।